नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं, एक बैटरी है लिथियम आयन। और इधर से दिखा देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 सीरीज के बैटरी बन रहा है 25 एम्पियर के। ये पैरेलल में 10 है और ये रूफर कंपनी के सेल है 2500 मिली एम्पियर का। तो ये 25 एम्पियर होगा और 13 सीरीज 48 वोल्ट का होगा। ये बैटरी स्पॉट वेल्डिंग मशीन से बनाया गया है। स्पॉट वेल्डिंग देख सकते हैं किस तरह से स्पॉट वेल्डिंग किया गया है इसमें। और एक्स्ट्रा इधर देख सकते हैं, ये बढ़ा के रखा गया है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में, यहां क्योंकि हमको बीएमएस को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए कई हमारे दोस्त लोग जो है फोन करके पूछते हैं कि बीएमएस का कनेक्शन का वीडियो दीजिए। तो बीएमएस का कनेक्शन एक्चुअली आज प्रॉपरली बीएमएस के कनेक्शन ही दिखाएंगे। और उससे पहले ये बीएमएस को थोड़ा बीएमएस की जानकारी दे देते हैं। ये देख सकते हैं 13 सीरीज के और 48 वोल्ट का बीएमएस है। और ये देख सकते हैं 40 एम्पियर के ये बीएमएस है। और ये 6 मंथ के वारंटी के साथ आता है। और इसका खुद जो है मैं सप्लाई करता हूं। किसी भाई को अगर इस तरह के बीएमएस चाहिए, 13 15 16 20 17 सीरीज का भी किसी को चाहिए तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा फोन पे, इस वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में संपर्क करिए तो आप लोगों को इस तरह के बीएमएस मिल जाएगा। ये 6 महीने के वारंटी के साथ आता है। और इस तरह के बैटरी के लिए सेल, ये सेल चाहिए वो भी मिल जाएगा, सेल के होल्डर भी चाहिए मिल जाएगा, निकेल स्ट्रिप्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। जो भी चीजें चाहिए आप लोगों को, आप लोग ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी इस डिपार्टमेंट में कोई भी सामान कैश ऑन डिलीवरी कोई नहीं देता है। आप लोगों को ये पेमेंट करके ही पहले मंगाना पड़ेगा। तो आगे जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। और कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये पूरा बीएमएस असेंबल का जानकारी मिल जाए। आजकल कोई भी घर में ये बैटरी तैयार कर सकता है। अगर मशीन हो, स्पॉट वेल्डिंग मशीन हो तो स्पॉट वेल्डिंग मशीन से। तो इस तरह से आप लोग बैटरी पैक अगर बनाया बैटरी पैक भी चाहिए तो भी जो है ऑर्डर करके आप लोग इसको मंगवा सकते हैं। इस तरह के जो भी एम्पियर में बोलेंगे उस तरह उतना एम्पियर में बना देंगे। लेकिन यहां कोई इन्वर्टर के बैटरी नहीं बनता है, यहां सिर्फ ईवी संबंधी बैटरी बनेगा। जैसे 24 वोल्ट 36 वोल्ट 48 वोल्ट 60 वोल्ट 72 वोल्ट में भी बन जाएगा। आप लोग बनवा करके ले सकते हैं मेरे से। तो इसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप में संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गया, अब इसको असेंबल करते हुए बीएमएस को असेंबल करते हुए दिखाते हैं। बीएमएस के बारे में, इसके वायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं इस साइड से ये पहला पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव तारे जो है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 देख सकते हैं ये पॉजिटिव है ये वाला। और एक ये नेगेटिव है जो ब्लैक कलर में दिया है। और ये सेंसर है, हीट सेंसर दिया है। और ये देख सकते हैं यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पी माइनस लिखा है। तो पी माइनस का मतलब होता है डिस्चार्जिंग माइनस। और ये बी माइनस का मतलब होता है बैटरी माइनस। तो बैटरी माइनस में सीधा चला जाएगा। इसको यहां से एक तार निकाल के आप बैटरी के मेन जो नेगेटिव है, मेन नेगेटिव में दे देना है। और इसको आपको निकाल के रखना है। और इसमें से ये क्योंकि कॉमन पोर्ट में है इसीलिए इसमें से एक तार और निकालना है। मतलब यहां से आगे जाकर के यहां से दो तारे निकाल लीजिए, क्योंकि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों माइनस में ये काम करेगा। और ये बैटरी माइनस में चला जाएगा, जो जहां बैटरी का मेन नेगेटिव है वहां चला जाएगा। और ये भी ये वाला ब्लैक कलर भी आपको ये वाला देख सकते हैं ये जाएगा बी माइनस, मतलब बैटरी के माइनस में। यहां देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, यह माइनस दिया हुआ है और ये प्लस दिया हुआ है। तो प्लस इस साइड से सब है और लास्ट वाला ये माइनस है। तो चलिए इसको एक एक करके
एक जगह इसको कहीं फिक्स करना है और उसके बाद एक एक करके इसको इधर से लगाते जाना है। और बैटरी का देख सकते हैं यहां ये सिंगल पोर्ट है, ये पॉजिटिव पोर्ट है, मेन पॉजिटिव है। और इस साइड में आप लोगों को दिखा दे, इस साइड में ये देख सकते हैं ये सिंगल पोर्ट है, तो ये मेन नेगेटिव है। तो इसमें बाद में करेंगे, पहले पॉजिटिव की तरफ से हमको असेंबल करते जाना है। तो सबसे पहले इस बीएमएस से इस सॉकेट को आप निकाल ले, ये हो गया। अब आपको बीएमएस को कहां सेट करना है ये आपको पहले डिसाइड करना है। आप बीएमएस को यहां रख लीजिए, यहां देख सकते हैं ये इस साइड में। अब इधर उलट के दिखा दे आपको, ये देख सकते हैं यहां आप इसको रख सकते हैं। और उसके बाद आपको सॉकेट जितना दूर का आपका ये है उतना कट कर लीजिए और वहां लगाते जाइए, तो ये आपका हो जाएगा। देख सकते हैं ये बीएमएस के जो वायर है इसको कटिंग कर लिया है और ये अब जो है अलग अलग साइज के हो गया है, क्योंकि ये सॉकेट एक जगह रहने वाला है और ये जो देख सकते हैं एक एक करके पीछे होते गया है, तो तार भी पीछे होते जाएगा। तो चलिए इस सॉकेट को एक जगह रख के और उसके बाद एक एक करके ये वाला देखिए, ये सबसे पहला वाला, ये सबसे पहला वाला में यहां देना है। तो कनेक्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को,
मेन पॉजिटिव है। देखिए यहां यहां पर देखिए बढ़िया से, यहां बैटरी का ये मेन पॉजिटिव है ये वाला। इस पॉजिटिव के एक इस साइड से तार निकाल लीजिए और एक इस साइड से तार निकाल लीजिए, तो दोनों तारे जो है पॉजिटिव आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पॉजिटिव दोनों आपका इसमें काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको बस उसके बाद इसको पैक कर दीजिए और यहां से एक तार निकाल के रहेगा, यहां से एक तार निकलेगा और ये जो बताए थे इसमें से दो तारे निकाल लीजिए, टोटल चार तार रहेगा। दो तारे, एक पॉजिटिव डिस्चार्जिंग के लिए पॉजिटिव रहेगा यहां से निकलेगा और एक नेगेटिव इसमें से रहेगा, और उसी तरह से एक नेगेटिव इसमें से चार्जिंग के लिए भी रहेगा और एक पॉजिटिव यहां से इधर से निकाल दीजिए, तो आपका बैटरी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर के बाद हम वीडियो में लौटेंगे और इसका वोल्टेज चेक करके आप लोगों को बता देंगे। उससे पहले हमको ये कनेक्ट करना है बी माइनस, बैटरी का बी माइनस कनेक्ट करना है और ये यहां से दो तारे निकालना है पॉजिटिव वाला। तो वोल्टेज दो तारे निकालना है, हम यहां से इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां से माइनस नेगेटिव लगा दिए हैं और यहां जैसे कि बता रहे थे ये पॉजिटिव पोर्ट है, देख सकते हैं आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा ये पॉजिटिव पोर्ट है। अब बैटरी में वोल्टेज बता रहा है देख, तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा असेंबल हो गया है। हो जाने के बाद ऐसा दिखता है, ये है देख सकते हैं रेड कलर के ये टेप लगा दिया गया है और ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव है एक ही जगह से निकाला गया है, एक इसमें से कटिंग कर लेना है, कस्टमर को बता दिया जाएगा कि यहां से कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद ये इसमें से एक तार कोई भी सॉकेट में लगाना है, चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो। और इसमें देख सकते हैं दो तारे निकाला गया है, ये बीएमएस में से निकाला गया जैसे कि बताए थे पी माइनस में से, ये कॉमन पोर्ट में है, इसमें से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों माइनस इसी में से होगा। तो इसके बाद बस काम यह है कि इसको पैक करना है और ब्लू पेपर श्रिंक पेपर से इसको कवर कर देना है, बस बैटरी पैक तैयार हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कस्टमर इसको यूज कर सकता है। तो चलिए आज के लिए यही समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू दोस्तों।